तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का हरा चारा खाने के लिए अपनी गाय खुल गई है और सभी अभी हरा चारा खा रही। सिर्फ और सिर्फ हरा है और वो भी सिर्फ मकई का, इसमें और कुछ भी नहीं है। एकदम बढ़िया वाला चारा है तो सभी गाय एकदम बढ़िया ऐसे खा रही और शांति से, इतनी सी भी भाग दौड़ नहीं है। और इस साइड में इनके दाने खाने का काम चालू है तो छोटे अभी खा रहे, बड़े ऊपर। और ब्लैक वाले कबूतर ने रात को बहुत परेशान कर डाला, शाम के टाइम जब बंद किया उसके बाद इतना मार रहा था ये व्हाइट वाले छोटे बच्चे को, तो क्या ही बताऊँ। तो हमने परेशान होके फिर बड़े कबूतर को, ब्लैक वाले को निकाल के राजा के घर के अंदर बंद कर दिया और राजा भी उसके साथ, तो दोनों साथ में ही थे पूरी रात। राजा और ब्लैक वाला कबूतर पूरी रात दोनों साथ में थे। सुबह में दोनों को अपने अपनी जगह डाल दिया। अब ब्लैक वाला कबूतर खुल गया बाहर, राजा गया अपने टैंक में। इस साइड में लक्ष्मी के साथ राम जी हरा चारा खा रहे, सुबह वाला खुराक उन्होंने खा ली। यह भी उस वाली फार्म की बछिया की इतनी खुराक है, वो भी लेके जाएंगे वहाँ पे। इन शैतानों की भी खानी हो गई, चारा इनका डाल के रखा है, अभी इनको नीम के पेड़ के नीचे लेके चलना है। तो इन चारों को भी वहाँ पे बांध देंगे। राजा को टैंक के अंदर छोड़ा है, सिर्फ खाना बाकी है तो खाना भी उसको दे देंगे। तो अभी थोड़ा टाइम है उसको खाने देने में। कहा गया नीचे गया होगा, ऊपर कहीं भी दिख नहीं रहा पूरी जगह में। ज़्यादातर वो इस मोटर के नीचे ही अपना टाइम बिताता है और अगर धूप चाहिए तो ऊपर आता है, बाकी बाहर तो नहीं है। बाहर मतलब ये देखो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे सही से नहीं कैमरा काम कर रहा। ये देखो अभी ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ये देखो ये आ गया राजा, आरती और गुड़िया चली अपनी जगह। तो भी इन दोनों की बारी, इनको भी यही से खोल देते, छोटा भी वहाँ पे बांध देगा। तो पहले हम खोलते हैं विक्रम को, तो कैसे जाता है विक्रम। वैसे तो उनको पुरानी आदत है, छोड़ दे तो सही से जाएगा मेरे हिसाब से। अरे भाई जा रहा है, जा रहा है, सीधा जा रहा है, वहाँ पे चारा है तो सही से ले जाएगा। अभी कपिला को चाचा जी खोल रहे। ये विक्रम खेल कूद करते हुए चला गया। जाओ कपिला जाओ, तुम भी जाओ, भागो। हाँ सूझ गया है उधर, ये कपिला भी चली। तो अभी छोटा भी वहाँ पे उनको बांध देगा, हम अभी ये खुराक लेके चलते हैं राम जी को मांस लगा के उस वाले फार्म पे। इतना चारा लेके अलग से निकाला है, हरा और सूखा मिक्स है उस वाले फार्म पे। अभी जो तीन बड़े शैतान हैं उनके लिए पूरा हरा नहीं देते हम, हरा और सूखा मिक्स उनके लिए है। तो अभी चलते हैं, लक्ष्मी हरा खा रही, इतना चारा वो आने के बाद उनको डाल देंगे। राम जी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत खा रहे हैं। तो अभी मैं फार्म पे वापस आ चुका हूँ और चाचा जी गाय चरा रहे हैं। अभी वापस से थोड़ी देर बाद मैं चला जाऊंगा गाय चराने, चाचा जी को वापस से भेज देंगे। तो मेरा खाना हो चुका है, चाचा जी खाना खा के ही आए थे। तो अभी यहाँ पे अपनी गायों का लगभग चारा खाना हो चुका है, थोड़ा बहुत खा रही है बाकी ख़त्म। और इतनी जगह बताता हूँ मैं थोड़ी, अभी यहाँ पे छोटा भाई गड्ढा बनाने वाला है इस जगह पे। हमने आज से पहले लगभग 7 से 8 साल पहले हमने यहाँ पे बोरवेल करवाई थी और उसमें क्रेसिंग भी नहीं डाली है, सिर्फ बोरवेल करवाई थी, लेकिन उसमें पानी भी नहीं था, सूखा था बोरवेल। तो अभी हम यहाँ पे गड्ढा करके देख रहे कि बोरवेल कितना खाली है, मतलब इसमें मिट्टी कितनी गिरी है, क्या नहीं, उसमें पानी आया है या फिर नहीं, क्या हुआ है। ऊपर पत्थर रख के हमने उसको मिट्टी में दबा दिया था, अभी यहाँ पे गड्ढा करके देख रहे हैं। सो जैसे ही पता चलेगा हम आपको भी दिखाएंगे कि बोरवेल अपना है या फिर चला गया। तो भाई अभी यहाँ पे काफ़ी देर से गड्ढा करके थक गए, कम से कम 1.5 फीट नीचे गहरा कर दिया लेकिन मिला नहीं, पूरी तरह से थक गए गड्ढा कर करके। फिर थकने के बाद मिट्टी बाहर नहीं निकली हमने, उधर के उधर ही मिट्टी को साइड करके गड्ढा खोदना बंद कर दिया, इतनी सारी बाहर मिट्टी निकाल ली है। और अभी यहाँ से परेशान होकर हम अभी बाहर की साइड आ गए और यहाँ पे गड्ढा बनाने का काम चल रहा है। हमें लगता है यहाँ पे होगा, अभी यहाँ पे खोद रहे, खोदने के बाद पता चलेगा। अभी फिर भाई ऊपर ही पत्थर लग गया तो मेरे हिसाब से यही पे होगा, अभी मिट्टी निकालते उसके बाद ही पता चलेगा कि यही है या फिर और कोई और है। तो अभी मिट्टी निकालने के बाद ही पता चलेगा। निकाल मिट्टी, कुछ ना कुछ यही है पत्थर निकल, सही जगह पे पहुंच चुके हैं अभी। यहाँ पे साइड की पूरी मिट्टी निकालने के बाद ही
पत्थर हटाएंगे, और भी पत्थर भी टूट चुका है, काफी देर से अंदर खोद रहे थे, अगर पहले ही यहाँ पे आते तो अपना काम पहले ही बन जाता। और देखो इसको, देखो मस्ती करनी है अभी, और ये मिट्टी पूरी फार्म के अंदर फैला देगी, उठाने में फिर और दिक्कत है। निकल, फालतू में काम मत बढ़ाओ हमारा, जाओ यार तुम जाओ, निकलो। अभी मिट्टी निकालते, पत्थर मिल चुका है, काम हो गया बाहर की साइड, हमने फालतू में अंदर खोद दिया, अभी ये गाय तो नहीं रहने देंगे। तो भाई अभी पत्थर की चारों तरफ की मिट्टी निकाली, अभी पत्थर निकालते हैं। तो कम से कम 7 से 8 साल हो गए बोरवेल करके, तो अभी पता चलेगा कि सच में इसके अंदर मिट्टी गई है या फिर नहीं, कुछ होगा। और एक पत्थर है, उसको निकालने के बाद ही हमें नीचे का पता चलेगा। तो ये ऊपर वाला पत्थर एक निकल चुका है, वो भी तोड़ डाला, अभी नीचे वाले को निकालने की कोशिश कर दूँ। ऐसे से ऊपर से कभी पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे बोरवेल है, तो मुश्किल से हमें पता चला है। तो अभी ये मिट्टी निकाल ले पहले फावड़ी से, वो पत्थर निकालने के चक्कर में बोरवेल हम ही ना मिट्टी डाल के दबा दे। तो अभी और साइड की मिट्टी निकालते हैं और फिर पत्थर निकालेंगे। तो अभी नीचे वाले पत्थर की भी साइड की मिट्टी निकाल ली है, अब छोटा भाई पत्थर हटा रहा है। तो भाई पानी तो बहुत बज रहा है, और अरे पूछे भी, और देखो कितना बड़ा होल हो चुका है, और पानी देखो बहुत ऊपर है, और मेरी सबसे पानी के इतना उसके अंदर मिट्टी है, ऊपर तक मिट्टी है, और पानी देखो अपने को पानी यहाँ से दिख जा रहा है, और पूरा बोरवेल के अंदर मिट्टी चली गई है। तो बोरवेल तो कोई अभी ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुत छोटा है, और लास्ट तक उसमें मिट्टी भरी हुई है, तो पूरा दब चुका है मिट्टी से, ज़्यादा उसमें देख के कोई फ़ायदा नहीं, पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, मोबाइल चला जाएगा अंदर। भाई बोरवेल तो मिट्टी की इतना मिट्टी में दबा हुआ है, लगा टॉर्च लगा। तो अभी देखो टॉर्च के उजाले में पानी ऊपर से दिख रहा है, और पूरा उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, देखो पूरी मिट्टी भरी हुई है। तो अभी इसको क्या करें, साइड में मत दिखा, नीचे दिखा पूरा, ये देखो पानी दिख रहा है, और उसमें मिट्टी भी है मेरे हिसाब से ना, मिट्टी है या ये मूली है, जल अपना इसको जड़ है, इस पेड़ की जड़ है ना, तो जड़ निकाल ले, फिर हम रस्सी डाल के देखते कितनी दूर तक जाती। तो अभी रस्सी लेके आते हैं, फिर रस्सी डाल के ही पता चलेगा सच में मिट्टी है या फिर ये मूल। अभी हमने ये अपने ट्रैक्टर का लोहे की पिन जो होती है उसे रस्सी से बांध लिया है, और अपनी रस्सी है करीब 80 फीट, तो हमने दो रस्सियों को एक साथ बांध के अपनी 80 फीट की रस्सी बना ली है। तो अभी भाई डालेगा अंदर, तो कितने दूर तक अपना रस्सी जाएगा, तो अपने 80 फीट की रस्सी पूरी चली गई है उसके अंदर। तो अपना जो बोरवेल था वो था 300 फीट का, तो बहुत दिनों के बाद अपने बोरवेल को अपन ने ओपन किया है, तो उसके पूरे आजू बाजू वाली सभी मिट्टी अंदर धस चुकी है। तो हमें लगा था कि अपना बोरवेल मिट्टी से पूरा बंद हो गया होगा, तो अपना 80 फीट की रस्सी तो आराम से चली गई। यहाँ पर ये जड़े आ रही है अपने पेड़ की, जो पास ही में पेड़ है उसकी, तो अपना बोरवेल तो क्लियर है 80 फीट तक। ये अपने पेड़ की जड़े पानी की तलाश में अपने बोरवेल के अंदर चली गई है। और ये आ गया अपने ट्रैक्टर की पिन, तो इतनी सारी रस्सी इसके अंदर चली गई।
तो अपना बोरवेल तो काफी हद तक अभी भी खुला हुआ है और पानी भी ऊपर ही है। तो अभी चेक करेंगे, अगर मोटर हम इसके अंदर डाल सके छोटी वाली तो अपना पानी कितना बाहर आ सकता है वो भी देखेंगे। तो भाई अपने पास ये वाली मोटर है, यहाँ पे ये मोटर 12 वोल्ट पे काम करती है, 2.1 एम्पेयर इस पर लिखा है, तो कम से कम ये 2 एम्पेयर लेती है। और अब यहाँ पे लिखा है जो आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या इसका काम है, और यह है 12 वोल्ट डीसी बैटरी। तो अपना सेटअप रेडी हो चुका है, ये भाई के हाथ में मोटर और ये अपना फुटबॉल, अभी जाएगा बोरवेल के अंदर। ये अपनी मोटर जा रही है अभी, चालू करके देखो हो गया पानी से कर लगभग। तो ऊपर अपना एक पाइप और केबल है, तो अपनी मोटर पानी से ऊपर है, सिर्फ फुटबॉल को पानी में डाला है। तो अभी यहाँ पर बैटरी से स्टार्ट करते देखते हैं। तो अभी छोटा भाई बैटरी से वायर को कनेक्ट करेगा, कर रहा है वो अभी। तो इस साइड में अपनी मोटर का आवाज आना शुरू हो गया, थोड़ी देर में पानी ऊपर, वायर निकल रही है, मोटर बंद हो गई। तो आवाज आ रहा है और मोटर ने पानी उठा लिया, अभी थोड़ी देर में पानी ऊपर आ गया। तो ये आ रहा है यहाँ पे थोड़ी देर में। तो ये देखो हमने बोरवेल से पानी निकाल लिया, मोटर से वो भी ऊपर, देखो एक ही मोटर है और लगभग पानी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि एक मिनट के अंदर लगभग कितना पानी ऊपर आ रहा है। तो अभी छोटे भाई ने टब में पानी भरना शुरू कर लिया है, अभी टाइमर लगा के चेक करेंगे। तो अभी अपने बोरवेल का पानी इस टब में आ रहा है, यहाँ पर अपने लीटर लिखे हुए हैं, तो 40, 25, 30, तो अभी देखते हैं कितने टाइम में कितने लीटर पानी आ पाता है। तो अपने मोटर ने पानी खींचना बंद कर दिया था, बहुत कम पानी आ रहा था, तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पेड़ की तो जड़ें हैं जो फुटबॉल पे लग चुकी थी बहुत सारी, तो पानी खींचने में उसे तकलीफ हो रही थी, तो पानी बहुत कम हो गया था, तो थोड़ा बहुत ही पानी आ पाया। उसके बाद थोड़े अपने बोरवेल में प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से यहाँ पर पानी आना बंद हो गया था। तो अभी भाई अपनी मोटर बंद कर रहा है, तो अभी देखते हैं क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। अभी अपने फुटबॉल की नली को पत्थर बांध दिया है, जिसकी वजह से वो नली अपने पानी के अंदर ही रहेगी, उसको थोड़ा वेट चाहिए था तो अभी नीचे ही रहेगी। तो भाई अभी छोड़ रहा है, तो ज़्यादा दूर पानी नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही नली अंदर डालते हैं तो पानी में चली जाती है। चली गई अभी से पानी में, तो अभी पानी में चली गई, तो मोटर को ज़्यादा अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी थोड़ा ऊपर ही रहने देंगे। और अभी मैं चालू करता हूँ मोटर को, तो अभी पानी देखते हैं। Thank you.
हवा आ रही है। पानी आना शुरू हो गया वापस से। तो अभी पानी फिर से चालू हो गया है। तो अभी इतना पानी हमने निकाला है और पानी कुछ ज़्यादा गंदा नहीं है। काफ़ी दिनों से मतलब 6-7 साल से बंद था, इसलिए थोड़ा पानी गंदा है, लेकिन जब वर्किंग में आएगा तो पानी एकदम बढ़िया वाला और अच्छा वाला आएगा। तो सारे हमने जो सेटअप लगाया था वो सारा निकाल लिया है और अभी ये सबको उठा के वापस से रख देंगे। ये वाला बड़ा वाला फर्श ही लेके आ गया छोटा भाई, तो अभी ये इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर फिर ये वाला कागज़ रखेंगे, मिट्टी बिल्कुल ना जाने चाहिए। और इसके ऊपर हम जो पुराने ये पत्थर रखे हुए थे ये ऊपर रख देंगे, जिससे हमें पता रहे अगली बार हम जब इसमें क्रेसिंग डालने के लिए इसको खोलेंगे तब ज़्यादा परेशानी ना हो, जल्दी से हमारा काम बन जाए। रखो, तो अभी इसको ढक रहे, जल्दी से क्रेसिंग लेके आएंगे, उसके बाद ही हम इसको वापस से खोलेंगे। तो वे अभी इसको मिट्टी से फिर से दबा दिया है अच्छे से। अब इसको हम जब खोलेंगे तब जब हम क्रेसिंग पाइप लेके आएंगे। तो अभी तक तो इसको खोला नहीं था, 6-7 साल पहले हमने बोरवेल की थी, उसके बाद इसको बंद किया था। तो उसके बाद अभी खोला, उस टाइम तो पानी नहीं था, लेकिन फिलहाल अभी पानी है। तो अभी क्रेसिंग डालेंगे, हम उस पानी का यूज कर पाए इसलिए। और पहले में हमने अंदर में गड्ढा किया था, वहाँ पर तो कुछ मिला नहीं और यहाँ पर बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बहुत गड्ढा गहरा किया था लेकिन वहाँ पे मिला ही नहीं और हमें पता भी नहीं था सही से कि है कहाँ पे। तो यहाँ पे मुश्किल से मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो फाइनल है कि यहीं पे है ऐसा। और जब ये बोरवेल किया था तब ये पेड़ नहीं था, उसके बाद हमने ये पेड़ लगाया था, तो हमें सही से पता भी नहीं था पेड़ के किधर की साइड है। तो अभी तो पेड़ के बाहर की साइड, मतलब अपने फार्म के सीधा बाहर की साइड, जाली के बाहर है। तो अभी तो पता चल गया, अब अगली बार यहीं पर गड्ढा करके क्रेसिंग पाइप डलवानी है। तो ज़्यादा गहरा पानी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपनी जो छोटी मोटर है वो पानी निकाल पाएगी, बड़ी मोटर उसमें बिल्कुल नहीं चलेगी क्योंकि उसमें पानी है ही नहीं। तो ये जो पानी है इतना मेरे हिसाब से लगता है कि इतना पानी उसमें आ रहा है जितना हम निकाल पाए, तो ज़्यादा पानी तो नहीं आएगा। 1 HP की मोटर भी उसमें अंदर नहीं चलने वाली। तो फार्म के अंदर थोड़ा बहुत गोबर है, वो अभी उठाने का काम करते हैं। चाची जी गाय चराएंगे, मैं तो अभी जा नहीं रहा वहाँ पर, अभी यहीं पर काम करना है आज हमें फार्म पर। तो बड़े शैतानों को पानी पिलाएंगे, छोटे शैतानों को पानी पिला के सबको चारा ना ऐसे देंगे। लक्ष्मी का चारा बहुत सारा बचा हुआ है, राम जी घूम रहे। तो अभी यहाँ के जो काम है, जो कि बचे हुए सारे काम अभी हम कर लेते हैं। तो वे अभी अपनी सभी गाय बंधी हुई है और इनके काम थे खुराकने के वो सारे हो चुके हैं। और अभी चारा डाल दिया है, सिर्फ सूखा चारा डाल के काम होने वाला है अभी शाम के लिए। ये देखो सभी जगह सिर्फ सिर्फ सूखा चारा डाला है। सेफ्ट रूम के अंदर सूखा चारा और मकई का रख दिया है और पानी भी रख दिया है। और यहाँ पे वेस्टेज जो था पुराना वो सारा उठा लिया, झाड़ू लगा के अच्छे से साफ कर लिया। साफ करने के बाद चारा डाला है इस वाले टैंक में। अभी पानी रात को भरना है, अभी तो आधा है। देखो इस साइड में भी पूरी सफाई कर ली है झाड़ू लगा के, उसके बाद ही सभी जगह चारा डाला है। पूरा जो भी है सब कुछ साफ किया है, उसके बाद ही चारा डाला है। तो हवा आज बहुत तेज चल रही थी, डैम की मोटर के 2 कनेक्शन कटते वो भी सब सही करके आ गए। आज रात को चालू होनी चाहिए, दिन को लाइट नहीं तो पता नहीं चला चालू हो गया नहीं, लेकिन देख के आ गए जो फॉल्ट था वो सारे निकल के आ चुके हैं। बाकी इस वाले फार्म पर जो अपनी लाइट आती वाला ट्रांसफार्मर का भी कुछ भी हुआ नहीं और कुछ होगा भी नहीं, और कोई अभी तक उसकी जांच पड़ताल कर नहीं रहा, तो वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल अपना तो काम चल रहा है, अपने को कोई दिक्कत नहीं, हम भी कुछ ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दे रहे। इस साइड में कपिला और विक्रम, इन दोनों के भी खुराक खाने के जो काम थे वो हो चुके हैं और अभी ये फार्म के अंदर सूखा चारा मकई का खाने वाले। इस साइड में अपनी लक्ष्मी, ये रही बांध के रखा है,
और राम जी खुले, ये रहे राम जी, और राम जी के नीचे ही अपना बोरवेल है यहाँ पे, तो उसका भी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करेंगे। जो पानी बोरवेल में ऊपर तक भर के आए तो उसका हम यूज़ ज़रूर करेंगे। और इस साइड में ये दो अपने शैतान, बड़े वाले तीनों शैतान उस वाले फार्म पे चले गए, वहाँ पे भी गाय बांधने का काम हो चुके हैं। सिर्फ अभी इस वाले फार्म पे दूध निकलने का काम बाकी है। राजा को उसके घर के अंदर बंद करेंगे, अगर ब्लैक वाला कबूतर आज भी परेशान करेगा तो उसको आज भी राजा के साथ बंद कर देंगे। अभी तो उनके साथ ही करेंगे पहले, और अगर परेशान करेगा तो फिर राजा के घर में उसको बंद करेंगे। आज कबूतर के बच्चे को भी देख लिया, काफ़ी अच्छा बड़ा हो चुका है। तो अभी कर लेते हैं गायों की मिल्किंग फटाफट, ज़्यादा टाइम ना करके फिर हमें बाद में अंदर होने पे दिक्कतें आती है। तो यही थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।